नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के एल सी सी ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास हम लोग सामाजिक विज्ञान से देखेंगे जिसका आज पार्ट 21 है। ध्यान देंगे सामाजिक विज्ञान का 21 है जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी से देखने वाले हैं। आप लोग बढ़िया से देखेंगे आज का क्लास क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 5 की चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग इसका पार्ट 5 आज हम लोग 71 से आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक जरूर जुड़ रहे हैं और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो जरूर दें। इस तरह से आप लोगों का एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आपके सामने ये रहा आज का सेट का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 71 है। सोच सकते हैं आप लोगों को इतना सारा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कराया जाएगा तो आप लोग को एग्जाम में कहाँ से छूटेगी क्वेश्चन। इसलिए आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से, आप लोगों का प्रैक्टिस एग्जाम तक करवाया जाएगा, भरपूर सहयोग मिलेगा हमारे चैनल से आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग अपना उत्तर देंगे क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं और आप लोगों के वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है उससे जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो जरूर दें। और जो भी स्टूडेंट्स जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास में नहीं देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि लाइव चैट की ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में मिलती है। तो सभी लोग बताएंगे कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में। चलिए कुछ लोग उत्तर दिए हैं, आप लोग भी प्रयास करें और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो याद रखेंगे वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि इस लाइव क्लास से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी लोग जुड़ सकें ताकि उन लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और आप लोगों को यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और जो स्टूडेंट्स आज नए आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर और आप लोग उत्तर नंबर के साथ दें, सिर्फ ABCD नहीं लिखें, नंबर के साथ देंगे। कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर या तोता। सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग इस प्रश्न को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इसलिए आप लोग सही भी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ मयूर मतलब मोर, याद रखेंगे मयूर मतलब मोर होता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी मयूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कह रहा है इनमें कौन सा ऐसा जीव है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल
भारत में ही पाया जाता है। और दोस्तों आज के क्लास में जितने भी आज प्रश्न देख रहे हैं सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से आज क्लास में रहेंगे ठीक है और जवाब देते रहेंगे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे डॉल्फिन, डॉल्फिन है, डॉल्फिन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, याद रखेंगे डॉल्फिन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ढेर विद्यार्थी को इस प्रश्न में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, इसलिए आप कन्फ्यूजन नहीं रहे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डॉल्फिन। याद रखेंगे कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो डॉल्फिन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, कहा जा रहा निम्न में से कौन लौह अयस्क एक प्रकार है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, अर्थात जो ये अयस्क है कौन है जो लौह अयस्क का प्रकार है, सभी के सभी अयस्क है मगर लौह अयस्क का कौन प्रकार है, बिटुमिनस, एंट्रासाइट या हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएंगे जो ऑप्शन में दिए गए अयस्क हैं कौन ऐसा अयस्क है जो लौह अयस्क का प्रकार है, क्या बिटुमिनस लौह अयस्क का प्रकार है, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या इनमें से कोई नहीं, सभी लोग उत्तर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आज के सेट में सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग सभी लोग उत्तर देंगे और अंत में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि कितने प्रश्न का उत्तर आज सही हुआ और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे निम्न में से कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो याद रखेंगे हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क है जो लौह अयस्क का प्रकार है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान देंगे मैट्रिक एग्जाम के लिए डेली शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है लाइव क्लास के रूप में, इसलिए जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं आप लोग जरूर डेली क्लास से जुड़े हैं, और अगर जो स्टूडेंट्स इधर जुड़े हैं तो पहले बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को देख सकते हैं। और टेंशन मत ले, जब ही सब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको मिक्सिंग करके प्रैक्टिस कराया जाएगा, याद रखेंगे आप लोगों का यह क्लास इस तरह से प्रैक्टिस का क्लास एग्जाम तक करवाई जाएगी, इसलिए आप टेंशन नहीं लें, जो क्लास हो चुका है अब एक चैप्टर वाइज हुआ था, अब जब चलेगी दोस्तों तब सभी को मिलाकर, जब चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो सभी को मिलाकर होगा, इसलिए अगर जो विद्यार्थी चाहते हैं कि पिछले के क्लास को देखें तो हमारे चैनल में जाकर, चैनल पर जाने के लिए नीचे जो लोगो लिखा हुआ है MKL से उस पर क्लिक करेंगे, चैनल पर चले जाएंगे दोस्तों, उसमें प्ले लिस्ट मिलेगा, प्ले लिस्ट में सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप पार्ट बाई पार्ट क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता था, भारत में जितना लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे क्या 10%, 30%, 20% या 40%, सभी लोग बताएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, सभी लोग उत्तर देंगे, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और उत्तर जरूर दें, उत्तर देने के लिए आप लोग नंबर के साथ दें, जिस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं उसका नंबर जरूर लिखें, ABCD लिखने से यह नहीं पता चलता क्या किस क्वेश्चन को दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोग सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे आप लोग 30% लौह अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ का था, पूरे भारत में जितना लौह अयस्क का उत्पादन होता है उसका 30%, याद रखेंगे 30% अकेले लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें,
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो वीडियो के नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगनीज का उपयोग होता है। ध्यान देंगे मैगनीज का जो सिंबल होता है संकेत होता है Mn होता है, ठीक है। तो लोहा में कितना प्रतिशत मैग्नीज मिलाने से इस्पात बनता है, ठीक है। कहता है एक टन इस्पात बनाना है, कितना एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, अर्थात कितने किलोग्राम, अगर हमको एक टन इस्पात बनाना है उसमें कितना किलोग्राम हम मैग्नीज मिलाएंगे तो इस्पात बनेगा एक टन। 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम, सभी लोग बताएंगे कि एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे अगर हमको एक टन इस्पात बनाना है उसमें हमको 10 किलोग्राम, याद रखेंगे 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करना होगा तब जाकर एक टन इस्पात बनेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहला भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा अर्थात परमाणु से ऊर्जा का उत्पादन परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कल्पक्कम, नरोड़ा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। इस प्रश्न से रिलेटेड कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे क्योंकि कल का भी क्लास सामाजिक विज्ञान से ही हुआ था और आज भी हम उससे ही आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो सभी लोग बताएंगे अगर कल का क्लास आप लोग देखे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो तारापुर में, याद रखेंगे तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है जिसे पुनः हम उत्पादन नहीं कर सकते, यूज करने के बाद पुनः उत्पादन उसका नहीं हो सकता है, समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा जब समाप्त होते फिर से उत्पादन उसकी होते रहती है, नवीकरणीय। तो कहता है जल, सौर अर्थात सौर ऊर्जा, कोयला या पवन, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन को ही देख के आप समझ गए। जल ऊर्जा को आप यूज करेंगे फिर से बना सकते हैं, सौर ऊर्जा उसी तरह से है, पवन ऊर्जा उसी तरह से, मगर कोयला आप यूज करते हैं समाप्त होगा तो फिर से बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं बनने में, इसलिए कोयला है जो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, समझ गए ना, कोयला होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्लास भारत संसाधन उपयोग का लास्ट क्लास होगा, ठीक है, इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्लास होगा, ठीक है। हम लोग समझ सकते हैं लगभग 80 क्वेश्चन एक चैप्टर से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को जितने भी ज्योग्राफी का क्लास हुए हैं ये वाला सभी को एकत्रित कर ले, क्वेश्चन को PDF या आप एक जगह कर लें और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें या आप क्लास को रिपीट करें बार बार देखें तो आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा, क्योंकि क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखने को मिला है सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन MKL बोर्ड कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित किया गया क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना करोड़ वर्ष पूर्व, देख सकते हैं कोयला का निर्माण कितना पुराना होता है बाबू, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व अर्थात 20 करोड़ वर्ष पहले या 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं अर्थात नन, सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितना साल पहले हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे कुछ लोग उत्तर दें, सभी लोग प्रयास करें तब हम बताएंगे, सभी लोग दें उत्तर, जो भी जुड़े हुए स्टूडेंट सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया प्रयास करें, मत डरें कि गलत हो जाएगा, गलत होगा कोई बात नहीं अगली बार सही होगा,
उत्तर देने का प्रयास करें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग उत्तर देंगे, और वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आप लोगों के लिए डेली 7:30 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं बिल्कुल ही निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है मुंबई हाई, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। मुंबई है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, या परमाणु शक्ति हेतु? बहुत ही आसान क्वेश्चन और भिव्य क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आप लोग आज का क्लास कैसा लगा और आज कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ, क्योंकि आप लोग हमें बताते हैं, फीडबैक देते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि आप लोग का प्रयास इतना अच्छा रहा, आप लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, और भी मेहनत करें हमें खुशी मिलती है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आज का क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो याद रखिए मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर सही जा रहा है। याद रखेंगे तेल शोधन कारखाना है, तो याद रखेंगे मुंबई हाई तेल शोधन कारखाना हेतु प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर लिखें दोस्तों, क्योंकि आप लोग लिखते हैं उसी से हमें समझ में आती है कि आप लोग का क्लास किस तरह से चल रहा है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।